हमें ग्रामर के बुक में पढ़ाया गया है कि किसी काम को जो करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे राम देखता है, इसमें देखने का काम राम कर रहा है, इसलिए राम सब्जेक्ट है। अब एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं, राम उछलते हुए बंदर को देख रहा है। इस सेंटेंस में दो दो काम है, उछलना और देखना। उछलने का काम बंदर कर रहा है और देखने का काम राम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होगा, राम या बंदर, या राम और बंदर दोनों? क्या कंफ्यूजिंग ग्रामर पढ़ाते हो यार। लगता है ईट इंग्लिश का नाम नहीं सुना, जहाँ मात्र 15-20 लाइन में ही पूरा टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सिखा दिया जाता है, और ऑनलाइन रोबोट से हजारों ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग पर प्रैक्टिस करवाया जाता है। अरे पहले ईट इंग्लिश में ग्रामर लॉजिकली पढ़कर आओ, फिर हमसे बात करना।